दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जॉम्बीज पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जॉम्बीज रॉड और शॉन को यूएफओ में लेके दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जिसके बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा ग्रैनी के घर पर जाते हैं, बाबा ग्रैंडपा को मार के गिरा देते हैं, बाबा ग्रैंडपा को गाड़ी के ऊपर रस्सी से बांध देते हैं, गुल्ली बुल्ली और बाबा ग्रैंडपा को लेके एक सुनसान जंगल में आ जाते हैं। बाबा ने ग्रैंडपा से कहा कि जॉम्बीज रॉड और शॉन को पकड़ के दूसरी दुनिया में ले गए हैं, जल्दी हमें उस दूसरी दुनिया का रास्ता बताओ। ग्रैंडपा ने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। बाबा ग्रैंडपा को पेड़ पे उल्टा लटका कर बहुत मारते हैं। बाबा के बहुत मारने के बाद ग्रैंडपा उस दूसरी दुनिया का रास्ता बताते हैं, जहाँ पर जॉम्बीज रॉड और शॉन को लेकर गए थे। बाबा अपनी पावर से वहाँ पर यूएफओ लेके आते हैं। बाबा ग्रैंडपा को रस्सी से बांध देते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा वहाँ से निकलने ही वाले थे, भी उन्होंने देखा कि पीछे से जॉम्बीज और ग्रैनी आ रही थी। बाबा जल्दी से यूएफओ उड़ाते हैं। ग्रैनी और जॉम्बीज बाबा का पीछा करते हैं। अब आगे की स्टोरी। जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली बाबा और ग्रैंडपा का पीछा करते हैं। बाबा यूएफओ को ऊपर ले जाते हैं। जॉम्बीज भी उनका पीछा करते हैं। थोड़ी देर में वो लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने बहुत सारे यूएफओ आ जाते हैं। जॉम्बीज और ग्रैनी गुल्ली बुल्ली और बाबा को हर तरफ से घेर लेते हैं। ग्रैनी ने कहा, ग्रैंडपा को छोड़ दो, नहीं तो जॉम्बीज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे। बाबा ने कहा, फिकर मत करो। बाबा चाकू निकालते हैं। बाबा ने ग्रैनी से कहा, जल्दी से रॉड और शॉन को वापस हमें दे दो, नहीं तो मैं ग्रैंडपा को मार दूंगा। जॉम्बी ने बाबा से कहा, तुम ग्रैंडपा को मार दो या काट दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रॉड और शॉन को नहीं छोड़ेंगे। ग्रैनी जॉम्बी को चाटा लगाती है। ग्रैनी ने कहा, ग्रैंडपा को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ग्रैंडपा को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ग्रैनी ने बाबा से कहा, ग्रैंडपा को कुछ मत करना, मैं अभी रॉड और शॉन को लेकर आती हूँ। ग्रैनी और जॉम्बीज रॉड और शॉन को लेने वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ जॉम्बीज ने रॉड और शॉन को बांध के रखा था। जॉम्बीज रॉड और शॉन को खाने की खुशी में डांस कर रहे थे। थोड़ी देर में वहां पर ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी ने जॉम्बीज से कहा, जल्दी से रॉड और शॉन को छोड़ दो, नहीं तो वो बाबा ग्रैंडपा को मार देगा। ये सुनके रॉड और शॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जॉम्बीज रॉड और शॉन को छोड़ देते हैं। ग्रैनी रॉड और शॉन यूएफओ में बैठ के वहां से चले जाते हैं। ग्रैनी रॉड और शॉन को लेके बाबा के पास आती है। ग्रैनी ने कहा, मैं रॉड और शॉन को लेके आ गई, अब जल्दी से ग्रैंडपा को छोड़ दो। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तुम रॉड और शॉन को हमारे पास भेजो, फिर मैं ग्रैंडपा को छोड़ूंगा। जॉम्बीज और ग्रैनी बाबा के पास जाते हैं। रॉड और शॉन बाबा के यूएफओ में आ जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, अब ग्रैंडपा को छोड़ दो। बाबा ग्रैंडपा को किक मारते हैं। ग्रैंडपा ग्रैनी के यूएफओ में जाके गिरते हैं।
ग्रैनी ने सारे ज़ॉम्बीज़ से कहा हथियार निकालो, अब ग्रैंडपा हमारे पास आ चुके हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ बंदूक निकालते हैं। रॉड, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा के होश उड़ जाते हैं। ग्रैनी ने कहा तुम लोगों को क्या लगा, मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगी, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो दोस्तों क्या होगा रॉड, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा का? क्या वो लोग यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या फिर ज़ॉम्बीज और ग्रैनी इन सबको मार देते हैं? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बीज पार्ट 6 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।